हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल शिमला किचन में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं आप सबकी पसंद नमक पारे, जो कि चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और आप मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। इसके लिए हमें ले लेना है थोड़ा मैदा, और उसमें डाल देना है थोड़ा सा मंगरेल यानी काला जीरा। और इसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा नमक ले लेना है अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग। याद रहे फ्रेंड्स कि ज़्यादा नमक नहीं डालना है, और इसको थोड़ा सा मिला लेना है पहले। और इसको थोड़ा अच्छे से मिलाने के बाद इसमें हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे। आप चाहे तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी या रिफाइंड ऑयल आप ले सकते हैं। उसके बाद इसे हमें बहुत अच्छे से मिक्स करना है। ऑयल जो है पूरा अच्छे से मैदे में मिक्स हो जाना चाहिए। करीब 10 से 15 मिनट तक हमने इसे मैश करना है, अच्छे से मिक्स इसको मिला लेना है। ये देखिए, थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होना शुरू हो गया है, और ये मुट्ठी भी बनने लगी है। जब मुट्ठी बनने लगे फ्रेंड्स, तो आप समझ लीजिए कि आपका मिक्सचर पूरी तरह से तैयार हो चुका है। देखिए, कलर पूरी तरह से चेंज हो चुका है मैदे का, इसका मतलब है कि हमारा मिक्सचर तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा और मिलाते हैं, और अब इसको हम थोड़ा थोड़ा पानी दे के गूंद लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालें फ्रेंड्स, नहीं तो ये अच्छे से नहीं गूंदेंगे। इस वजह से इसका हम डो बना लेंगे। इसको अच्छे से गूंदा है मैंने, एकदम पूरा मुलायम एकदम सॉफ्ट आटा बनाया है। और इसको आधे घंटे के लिए गीला कपड़ा से ढककर छोड़ देंगे। आधा घंटा हो चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए, हमारा आटा बिल्कुल सेट हो चुका है, पूरा एकदम प्लेन हो चुका है। इस तरीके का आटा हो जाना चाहिए, तो इससे बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं निमकी यानी नमक पारे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने एक छोटा सा लोई लिया है, और इसको अब बेलन से बेल लेंगे। इस तरह से बेल देना है। आप इसको जितना चाहे आप मोटा रख सकते हैं, मतलब ज़्यादा मोटा तो नहीं रखें, और जितना चाहे आप पतला रख सकते हैं। और इसका जो कटिंग का साइज है वो अपने अकॉर्डिंग आप डिसाइड कर सकते हैं। ये हमने गोल बेल लिया है, अब इसे हम कट करेंगे। मैं सीधा सिंपल ही कट कर रही हूँ फ्रेंड्स, कोई भी इसमें आकार नहीं दे रही हूँ। आप चाहे तो किसी भी आकार में आप कट कर सकते हैं। ये नमक पारे शाम के समय चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, और बच्चों के भी बहुत पसंद आते हैं। गैस पे मैंने ऑयल पहले ही चढ़ा दिया है एकदम कम आंच पे, ताकि वो अच्छे से गर्म हो सके। तेज आंच पे तेल कभी भी गर्म ना करे फ्रेंड्स। ये देखिए, अब इस एक साइड से कट चुका है, अब दूसरे साइड से कट कर रही हूँ। कम आंच में तेल गर्म करने से वो अच्छे से गर्म होता है, और हम जब इसे तलते हैं तो ये जलता नहीं है, ये अच्छे से फ्राई होता है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। ये कट किया हुआ है फ्रेंड्स, इसीलिए आपको चिंता करने या डरने की ज़रूरत नहीं है। ये सटेगा नहीं बिल्कुल भी। इसको ऑयल में डालते ही ये सारे अलग हो जाएंगे। अब इसे हम तल लेते हैं। देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। मैंने जब बेलना शुरू किया था उसी वक्त मैंने गैस जला के छोड़ दिया था। देखिए, हमारा ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। और इसको फ्राई करने में भी कम से कम 10 से 15 मिनट लगते हैं फ्रेंड्स।
अगर टाइम अगर ज़्यादा देके नहीं तलेंगे तो क्या होगा ना कि ऊपर से जल मतलब कि ऊपर से जल जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा और क्रिस्पी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वजह से एकदम लो टू मीडियम फ्लेम करके और इसको तलें आराम से। नमक पारे बनाने के लिए थोड़ा सा टाइम का ज़रूरत होता है फ्रेंड्स, ये हड़बड़ी में बिल्कुल भी नहीं होता है क्योंकि इसको सान के मतलब गूंद के आटा रखना भी पड़ता है। ये देखिए हमारा गोल्डन हो चुका है, थोड़ा सा इसको और फ्राई करते हैं। देखिए पूरा अच्छा गोल्डन हो रहा है। ये देखिए पूरा क्रिस्पी दिख रहा है अभी कढ़ाई में। इसको थोड़ा सा और तलेंगे एक मिनट तक, इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। अब इसे हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये पूरी तरह से तल चुका है एकदम गोल्डन और यही कलर होने चाहिए फ्रेंड्स। देखिए कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये नमक पारे हर किसी का पसंद होता है फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। अब इसी तरह से हमने सारे बना लिए हैं। ये देखिए अगर आपको वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो लाइक शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। और हाँ जब भी आप बना लें और चाय के साथ खाएं तो एक कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल भी नहीं भूलें। ये देखिए पूरा एकदम ये क्रंची है, मैं तोड़ के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए तुरंत बहुत ही खस्ता बना है, एकदम हलवाई जैसा बना है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।